नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। नागपुर में रात भर हुई बारिश की वजह से जिले का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। लोगों के घरों में पानी घुस गया। प्रशासन ने आज स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया। सड़कें रेलवे स्टेशन से लेकर घर तक में पानी भर गया है। नागपुर के मोर भवन बस डिपो में बसें भी डूब गई। मौसम विभाग ने मुंबई में 24 और 25 सितंबर को भारी बारिश की संभावना जताई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि स्थिति कितनी मुश्किल भरी, और ये देखिए घर तक पानी घुस गया है। हालांकि वहां अब एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन हालात इतने मुश्किल और इतने दयनीय हो चुके हैं कि लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है घरों से निकलना, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन हर जगह पानी भर गया है। इसलिए हिदायत भी दी जा रही है कि जब तक बहुत महत्वपूर्ण काम ना हो घरों से ना निकलें। स्कूल भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पौस इलाका है, घरों तक पानी घुस गया है। और ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड भी आप देख सकते हैं कि पानी लबालब भरा हुआ है। ये सीधे तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 24 और 25 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी दी है और तब तक अलर्ट भी जारी किया गया है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी दयनीय है। लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये देखिए, ये जो इलाका है, ये यहाँ पर घर है और घर के बाहर की तस्वीरें आप देखिए, पूरा इलाका लबालब पानी में डूब चुका है। गाड़ियां भी डूब चुकी है और ये देखिए पानी का जो बहाव है इतना तेज है कि मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए घर से निकलना। और ये देखिए जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, घर के अंदर इतना पानी घुस गया है और यहां से लोगों को सुरक्षित निकाला भी जा रहा है। पूरे इलाके को आपको बता दें कि एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। लगातार बारिश की वजह से ये हालात उत्पन्न हुए हैं। कल रात को मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। केवल एक ही बारिश में नागपुर हुआ पानी पानी। चार घंटों की महज बारिश में 100 मिलीमीटर बारिश हुई और शहर के सभी इलाके लगभग जलमग्न हो गए। कई इलाकों में जो है बचाव दल पूरी तरह काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ और अग्निशमन विभाग की कई टीमें जो है बचाव कार्य में लगी हुई, लेकिन नई बस्ती आए हैं, नए इलाके हैं, वहाँ पूरी तरह से पानी भर चुका है। मैदानी जो इलाके हैं वहाँ पूरी तरह से पानी भर चुका है और जिलाधिकारी ने जो है आज सभी स्कूलों को छुट्टी ज़रूर दी है, लेकिन देखना होगा कि इतनी सी ही बारिश में अगर नागपुर के जनता का यह हाल होता है तो ये विचारणीय बात है। ज़रूर महानगर पालिका, जिलाधिकारी कार्यालय और सारे लोग जो है बचाव कार्य में जुटे, लेकिन एक ही बारिश में इस तरह का हाल हो जाना, पूरी तरह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाना किसी भी तरह स्मार्ट सिटी की निशानी तो नहीं है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नरेंद्रपुरी, न्यूज 24 नागपुर। बिल्कुल, जो तस्वीरें आपने देखी, सवाल तो उठ जाता है कि जो दावे किए जाते हैं स्मार्ट सिटी की, उस दावों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है।